हेलो पोके ट्रेनर्स, कैसे हो? स्वागत है पोके स्टॉक के एक नए वीडियो में। तो गाइस, ये है पोकेवर्स एपिसोड 3। इससे पहले भी मैंने 2 एपिसोड बनाए, एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है एपिसोड 3। एपिसोड शुरू होने से पहले गाइस, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, चैनल में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस आप लोगों को, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जो जो बंदे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। तो गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक नया इवेंट आया है एक आइलैंड का, जहाँ पर हमें मतलब गारंटेड SSR पोकेमॉन मिल सकता है, ठीक है, फ्री में। ये कोई आपको पेड वर्जन नहीं है, ये आपको फ्री में मिलेगा। तो गाइस, पहले ना हम क्या करते हैं, वो इवेंट में जाते हैं और देखते हैं इवेंट कैसा है, मतलब हमें क्या पोकेमॉन उधर मिल रहा है, तो वो पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम जो एपिसोड में होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो पहले चलते हैं इवेंट की तरफ। तो गाइस, देख सकते हो यही है इवेंट, जहाँ पर देखो लिखा हुआ है गारंटेड SSR जो ओपन आइलैंड ऐसा कुछ है। तो पहले ना यहाँ पर हमें एक फ्री में टिकट मिल रहा है, जिसे आप, अगर आपके पास डायमंड होगा तो आप डायमंड से भी खरीद सकते हो उसको। तो फिलहाल के लिए हमें फ्री में मिला है, तो हम फ्री को यूज़ कर लेते हैं। ये जो है ये प्रीमियम वर्जन है, इसके लिए आपको पेड मतलब VIP जो पास होता है वो ख़रीदना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए हम फ्री में ही चलते हैं, तो देखते हैं उधर क्या मिलता है। तो चलो, तो ओपन आइलैंड, ओ माय गॉड। तो गाइस, यहाँ पर बहुत सारा पोकेमॉन है, पता नहीं शायद इसमें एक पकड़ पाओ कि सबको पकड़ सकता हूँ, वो हमें चेक करना है। तो फिलहाल के लिए चलो, जो मेरा फेवरेट पोकेमॉन है इन सब में वो है म्यू। तो चलो पहले म्यू को पकड़ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है म्यू में, हमें क्या मिलता है। तो पता नहीं सबको हम पकड़ सकते कि नहीं, या एक ही यहाँ पर मिलेगा। तो पहले जो है यहाँ पर हम म्यू को ट्राई करते हैं पकड़ने के लिए। तो चलो, तो फिलहाल यहाँ पर बहुत सारा पोकेमॉन है। तो गाइस, यहाँ पर बहुत सारा पोकेमॉन है, तो लेकिन पहले जो म्यू को पकड़ना है। ओके, नहीं हो रहा है गाइस, ये ट्राई करना पड़ेगा बहुत बहुत बार, देखते क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट गाइस, मिल जाए। मेरे पास म्यू है पहले से, लेकिन फिर भी इन सब में मुझे म्यू ही पसंद है, इसलिए मैं म्यू को ही पकड़ना चाहता हूँ। तो देखते हैं। ओके गाइस, हो चुका है एक। अभी ये क्या है? नहीं, शाइनी म्यू गाइस, मुझे बिलीव नहीं हो रहा गाइस, ये शाइनी म्यू है गाइस, ये कैसे हो सकता है? ओके, ये शेयर करने के लिए बोल रहा है, तो शेयर भी कर देते। ये शाइनी म्यू है गाइस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा गाइस। आप लोग जस्ट देखो शाइनी म्यू, आप शायद गाइस हम सब पोकेमॉन को पकड़ सकते हैं गाइस। अब देखते हैं कि मतलब और कोई शाइनी निकलते। पहला जो पोकेमॉन था गाइस वही शाइनी निकल गया, शाइनी म्यू। ये मेरा फर्स्ट शाइनी पोकेमॉन है पोकेवर्स में, ये मेरा फर्स्ट शाइनी पोकेमॉन है, वो भी म्यू। ओ माय गॉड गाइस, बिलीव नहीं हो रहा, बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलो फिलहाल के लिए इन सबको ट्राई करते, देखते कोई शाइनी मिलता है कि नहीं। जैसे म्यू हमें शाइनी मिला है, अभी देखते म्यू के जैसा कोई पोकेमॉन हमें शाइनी मिलता है कि नहीं। तो ये तो नहीं हो रहा, ओ बहुत टफ है गाइस इसको पकड़ना, अबे नहीं हो रहा गाइस। तो चलो जल्दी से हर एक पोकेमॉन को पकड़ लेते हैं, अगर शाइनी मिला तो आप लोगों को तो पता ही चल जाएगा। तो गाइस चलो फटाक से सबको पकड़ लेते हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए तो कोई पोकेमॉन ऐसा शाइनी नहीं मिला, तो अभी हम ट्राई करने वाले हैं जो मतलब रह चुका है जो पोकेमॉन, तो हम ट्राई कर लेते हैं पहले। तो गाइस अभी हमें पिकाचू को पकड़ना है। ये पिकाचू थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि जो पिकाचू मेरे पास है वो ऐसा तो नहीं है, और यही शायद जो SSR पोकेमॉन है यही होगा शायद। तो हम पकड़ चुके हैं गाइस, देखते हैं क्या है। हाँ, लकी वैल्यू, हाँ गाइस, ये देखो, देख सकते हो ये गॉट पिका है, ये नॉर्मल पिकाचू नहीं है, ये गॉट पिका है, और ये SSR में आता है, मतलब ये पोकेमॉन SSR में आता है, तो बहुत ही बढ़िया हो गया। तो चलो ये जो दोनों पोकेमॉन है इसको भी पकड़ लेते, उसके बाद हम थोड़ा बहुत बैटल करेंगे। और उससे पहले जो करना है गाइस, जो शाइनी म्यूटू मिला है उसे मुझे अपग्रेड करना है कैसे भी करके। चलो, तो गाइस फिलहाल के लिए मैं अपना जो पोकेडेक्स है वहाँ पर आ चुका हूँ। ये देख सकते हो गाइस, शाइनी म्यू, मतलब कितना अच्छा लग रहा है गाइस। मतलब ये तो मेरा फेवरेट पोकेमॉन था ही, बहुत लोगों का फेवरेट है, वो भी जो मेरा पहला पोकेमॉन जो मतलब शाइनी में आया वो भी म्यू। दूसरा भी कोई पोकेमॉन आ सकता था, लेकिन मेरे पास जो फर्स्ट शाइनी पोकेवर्स में जो फर्स्ट शाइनी है वो है म्यू। तो फिलहाल के लिए जो मुझे करना है गाइज, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसको मुझे अपग्रेड करना है, ठीक है। मेरे पास एक म्यू तो है, ये अपग्रेडेड है, तो ये जो म्यू है, जो शाइनी म्यू है, अभी उसको मुझे अपग्रेड करना है, ठीक है। उसके बाद मैं
एक दो बैटल करूँगा शाइनी के साथ। तो पहले जो करना है, लेवल को मुझे अपग्रेड करना है, 31 लेवल तक लेके जाना है इसको। फुल अपग्रेडेड हो चुका है लेवल। अब जो ये जो मैं इसको DNA कहता हूँ, तो ये जो ट्रेनिंग का पार्ट है, मतलब इसको मैं DNA कहता हूँ, तो इसको मैं अभी थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। तो थोड़ा बहुत अपग्रेड कर देता हूँ कि इसका वो जो ट्रेनिंग का जो पार्ट है, मतलब इसका जो इंडिविजुअल पावर है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाए, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो अभी शायद हो जाएगा, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। फिर इसको इसका जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप शायद नहीं होगा, पता नहीं मेरे पास म्यू है कि नहीं। और इसका जो नेचर एक्सचेंज और लेवल अपग्रेड सब कुछ मैं करने वाला हूँ गाइज। अभी स्किल को भी अपग्रेड करना है, उसका जो चार्ज है उसको भी अपग्रेड करना है। तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत बहुत अच्छा ही अपग्रेड हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइज कि मुझे शाइनी मिला है गाइज, बहुत अच्छा लग रहा है गाइज। गाइज अगर आपको शाइनी म्यू अच्छा लगा तो अभी जाके चैनल में सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में एक लाइक कर दो, जल्दी कर दो गाइज, शाइनी म्यू के लिए जल्दी कर दो। तो फिलहाल चलो ट्रेनिंग में इसका जो मूव्स है उसको अपग्रेड कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और जो पावर है, मतलब वो जो पावर यूज़ करता है उसको भी थोड़ा बहुत अपग्रेड कर लेते हैं। तो फिलहाल तो बहुत अच्छा अपग्रेड हो चुका है। अब देखो यहाँ पर जो नेचर है, नेचर में हम ऐड कर देते हैं, इधर हम एक नेचर ऐड कर सकते हैं, एक स्लॉट। तो फिलहाल के लिए ये लेवल 2 था, तो और एक स्लॉट को मैं फिलहाल के लिए ऐड करना चाहता हूँ, तो डबल नेचर हो जाएगा। तो मेरे पास चेक कर लेता हूँ गाइज, मेरे पास और एक, हाँ और एक म्यू पहले से था। तो इसका जो नेचर है देखो लेवल 3, इसको भी मैं इसमें मतलब सोल लिंक करना चाहता हूँ, सोल लिंक नहीं मतलब लिंक करना चाहता हूँ। तो सोल लिंक भी कुछ ऐसा ही एक ऑप्शन है। तो फिलहाल के लिए मेरे पास वैसे सोल लिंक करने वाला पोकेमॉन है तो नहीं, तो इसका नेचर को मैं एक्सचेंज कर लिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हो। तो म्यू शाइनी आ चुका है। अभी जो करना है गाइस, थोड़ा बहुत चलो बैटल कर लेते हैं। स्टार्टअप गाइस नहीं होगा तो छोड़ दो, चलो बैटल करते हैं। तो गाइस अभी मैं जो करने वाला हूँ, बैटल करने वाला हूँ, तो चलो देख लेते हैं। और मैं शाइनी म्यू को सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो रुको गाइस पहले देख लेते हैं शाइनी म्यू। हाँ ओके, सिलेक्टेड है। तो अभी फिलहाल देखो लास्ट जो है वो म्यू है, मतलब अगर ये 3 पोकेमॉन मेरा डिफीट हो गया तो फिर जाके मैं 3 पोकेमॉन को ला सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि शाइनी म्यू का ज़रूरत पड़ेगा, ये 3 पोकेमॉन इनफ है इन लोगों के लिए मुझे लगता जो है। अभी देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं गाइस। तो आप लोग बैटल को देखो। और गाइस जो मैं कहना चाहता हूँ, ये एपिसोड 3 है, ऐसा बहुत एपिसोड आने वाला है, आपको बहुत कुछ मिलेगा, नया नया इवेंट और क्या शाइनी मुझे अपडेट मिल रहा है, हर कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए कह रहा हूँ जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। चलो गाइस आप लोग कर सकते हो, मैं जानता हूँ। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखो बैटल को। तो गाइस अगर आपको शाइनी म्यू पसंद है, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपको शाइनी म्यू पसंद आया जाके सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है वीडियो में। तो गाइज ये बैटल तो हम जीत चुके, शाइनी म्यू का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। तो गाइज यही था आज का वीडियो, इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है बहुत जल्दी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।